हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजास इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं इस वीडियो में। हम भूकंप के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं अर्थक्वेक। यह अर्थक्वेक आता कैसे है? बहुत बार बड़ी जो बिल्डिंग्स रहती है, ब्रिजेस रहते हैं, वो क्या करते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। मतलब जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, वो क्या होती है, शेक होती है इतने जोर से होती है कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है वो क्या करती है, गिर जाती है और पूरी धरती हिलने लग जाती है। तो उसे ही भूकंप कहते हैं। वो आते कैसे है और थोड़ी सी देर होने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एजास इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स, लेट्स स्टार्ट। जो हमारी धरती बनी हुई है वो बनी हुई है अर्थ क्रस्ट से। मतलब हमारे धरती का जो सेंटर है वहां टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। मतलब आपने देखा होगा जो लावा निकलते हैं नीचे से, तो वो क्या होता है, इतना गर्म है नीचे की जगह के, वो वहां से जो लावा निकलता है एकदम हॉट रहता है, मोल्टेन। आपने सुना होगा मोल्टेन मतलब एकदम मोल्टेन मैग्मा, उसके बारे में गर्म लावा जो निकलता है। तो नीचे की जो धरती है बहुत क्या है, गर्म है। और ये जो अर्थ क्रस्ट है, मतलब ये जो आपको मैं शो कर देता हूँ अर्थ क्रस्ट, वो क्या है, एक बॉल, रेड कलर का बॉल जैसे सूरज के जैसे, और उसके ऊपर है ना कुछ प्लेट्स बनी हुई है जिसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे से चिपकी हुई है। मतलब सब जगह से टेक्टोनिक्स पे एक दूसरे से चिपक चिपक के वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर के पूरी पोर्शन बना दी है, ठीक है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो क्या होती है, हमेशा हर सेकंड हिलते जाती है, मतलब आगे बढ़ जाती है। और ये बढ़ती है 2 से 5 सेंटीमीटर एक साल में। मतलब एक साल में कितना बढ़ती है, 2 से 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि जो आपके बाल है वो तो भी जल्दी बढ़ जाते होंगे जितना देर से ये हिल रही है, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे से मतलब इधर उधर होते रहती है। और बहुत बार क्या होता है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की क्या होती है, ऊपर भी चले जाते हैं, मतलब सरक जाती है। और बहुत बार क्या होता है, ये इतने धीरे सरकती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता। और कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे कि कोई पहाड़ आ जाती है या कोई दूसरी चीज आ जाती है, जिसके कारण वो क्या होती है, अटक जाती है। अटकने के कारण क्या होती है, वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट से मिलने के बाद वो एकदम से आगे चली जाती है। मतलब प्रेशर लगता है, नहीं आगे बढ़ पा रही तो एकदम से आगे बढ़ जाए। तो इसके कारण क्या होती है, हमारी जो धरती है वो पूरी तरीके से हिलने लग जाती है। तो इसी तरीके से अर्थक्वेक आता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई ये शहर में अर्थक्वेक आया, दूसरे शहर में नहीं आया, क्योंकि इधर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसके ऊपर हम है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो वो क्या होती है, एक दूसरे से शेक करती है, मतलब हिल जाती है, ठीक है। ये शेकिंग करने के पोजीशन को ही अर्थक्वेक कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जन बोलते हैं अर्थक्वेक ऐसा आया है, वैसा आया है, वैसा वैसा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। साइंस ये सब चीजों को नहीं मानती है, अर्थक्वेक बस टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है और टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा हिलते रहती है और वो जरूरी भी है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजास इंजीनियरिंग, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो कमेंट करके हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।